शहनाज के एक इंटरव्यू ने शहनाज गन की आंखें नम कर दी थी, तो वहीं शहनाज भी नम आंखों के साथ नजर आई थी। जब शहनाज ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि पंजाब इंडस्ट्री में उनके साथ एक टाइम पे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, जब वो सेकंड या थर्ड लीड में होती थी किसी मूवी में तो उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि उनकी मूवी की स्क्रीनिंग पे भी उनको नहीं बुलाया गया था। और अक्सर दोस्तों ऐसा होता नजर भी आता है कि जो बड़े सितारे होते हैं उन्हें ही ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन शहनाज भी वो सितारा निकले जो कि धीरे धीरे चमकने लगी। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस पंजाब इंडस्ट्री ने शहनाज को ठुकराया था, उन्हें सम्मान नहीं दिया था, अब वही इंडस्ट्री धीरे धीरे कर शहनाज को सम्मान वो वापस लौटाने लगी है और शहनाज के सामने झुकने लगी है, शहनाज को मानने लगी है। अब हाल ही में सोनम बाजवा का एक इंटरव्यू आया जिसमें कि उन्होंने शहनाज की ढेर सारी तारीफें की। हालांकि जब सोनम बाजवा और दिलजीत दोसांझ की शहनाज के साथ जब मूवी आई थी हौसला रख, उस वक्त भी उन्होंने तारीफें की थी, लेकिन इस बार जो शहनाज गिल की उन्होंने तारीफें की है उसमें अंदाज कुछ बदले लग रहे हैं। और उनका कहना ये है कि शहनाज के साथ काम करके उन्हें बहुत अच्छा लगा था। शहनाज के चुलबुले अंदाज की भी उन्होंने तारीफें की, साथ ही में उन्होंने ये तक कहा कि मेरे उस मूवी में शहनाज साथ ज्यादा सीन्स नहीं थे, लेकिन जब भी हमने साथ में काम किया हमने काफी एंजॉय किया और शहनाज बहुत टैलेंटेड लड़की है। पंजाबी इंडस्ट्री के ऐसे कई सितारे हैं जो कि शहनाज के टैलेंट को मानते हैं और उनके टैलेंट को जानते भी हैं। फिर चाहे वो जस्से गिल क्यों ना हो, दिलजीत दोसांझ क्यों ना हो या फिर और भी कई बड़े बड़े सितारे क्यों ना हो, कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको भी अब ये लगता है कि शहनाज अपने टैलेंट से और अपनी मेहनत से वो अपना हर सम्मान वापस पा ही लेंगी। और इसी तरह से कई अपडेट के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।